चाइना के भाई वन चाइना पॉलिसी को हटा दिया है, क्योंकि उनके यहाँ ज्यादातर बुढ़े लोग बचे हैं और अपनी पॉपुलेशन इतनी है कि हम लोग बहुत ज्यादा एज पॉपुलेशन काउंट करते हैं। और अगर हम कुछ भी करते हैं मतलब इस वर्ल्ड के लिए या किसी बात पे अगर कोई मुद्दा करते हैं इस समय, तो हमारी ऐसी मतलब मिशन है कि अगर हम कुछ कहते हैं तो लोग उसका प्रभाव समझते हैं और सब उसको कोई लाइटली नहीं लेता। हमें आज इंडिया की जो पोजिशन है कि कोई लाइटली नहीं लेता है, क्योंकि कोविड के बाद अगर देखा जाए तो ऐसी इकॉनमी हमारी जो सबसे बढ़िया से मतलब काम कर रही है और सबसे रेट पे जो पढ़ने का इंक्रीजिंग रेट है वो सबसे हाई है जीडीपी के मामले में। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और हम चाहेंगे कि इसका इफेक्ट पड़े। और हम ये अगर सोच के जैसे हमने सोच लिया कि हम आगे ट्रेड हो जाएंगे हम जामिन आ रहे हैं, तो हम करने की कोशिश एग्जैक्टली हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम कर सकते हैं। तो हम अपने पॉजिटिव पहले तो इसका ये था कि इकोनॉमिक के लिए बनाया था 1999 में, लेकिन इकोनॉमिक्स फिर बाद में इसमें और भी जलवायु परिवर्तन फिर हरित क्रांति ये सब जोड़ा गया कि थोड़ा हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़े। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कह तो दिया है कि 2070 तक हम भी चाहेंगे कि हम पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी हो जाए, लेकिन ये पॉसिबल मेरे ख्याल से तो नहीं लगता, लेकिन हो सकता है। नहीं तो फिर भी हम 75% तक अचीव कर लेंगे ग्रीन एनर्जी का, जो भी है मतलब हम जितना भी अपना वो करते हैं ऑयल से पेट्रोल या डीजल से। हमारा अमेरिका से यूक्रेन और रसिया के बाद अगर किसी का फायदा भी हुआ है ऑयल और उसके मामले में तो इंडिया ही है, क्योंकि रसिया ने डायरेक्टली इंडिया को अपना तेल था वो सबसे। अब हर छोटे छोटे कॉलेज में स्कूल में हर जगह एटलीस्ट टॉक तो शुरू हुई, बात से ही फिर आगे बात बढ़ जाती है और बात बन भी जाती है, तो इसीलिए ये सारी बातें हुई। और तुम भी से कह रहे हो तुम भी और तुम्हारा भी पॉइंट सही है, क्या हमको 18 देश सपोर्ट करेंगे? आप लोगों को लगता है जो बाकी है रेस्ट ऑफ द 18 कंट्रीज है वो सपोर्ट करेंगे उनको आगे? हर बात से सपोर्ट नहीं होगा, कोई भी दो देश हो कितने भी क्लोज हो कभी वो 100% हर चीज पे एग्री नहीं करते। इंडिया और यूएस हमेशा उनका वो जो यूरोपियन कंट्रीज तो कोई भी नहीं करेगा सर्विसेज का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, यूरोपियन कंट्रीज तो कोई भी हम लोग को नहीं सपोर्ट करेगा उनके बीच में ये वाली चीज। बिल्कुल भाई यूरोपियन अलग है एशियन अलग है, खत्म खत्म तभी तो ये थी।